बिग बॉस में चल रही कंट्रोवर्सी के बीच में कूद पड़े हैं शालीन बानोट के पिता सुंबुल तौकीर खां और उनके पिता को लगा दिया है बड़ी फटकार। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं आपको कि आखिर बिग बॉस की ये कंट्रोवर्सी किस तरफ नए मोड़ लेते जा रही है। दिन पे दिन बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और अब क्या बड़ा तूफान आ गया है बिग बॉस के घर में। क्यों आखिर सुंबुल के पिता को लगातार टारगेट किया जा रहा है और खरी खरी सुननी पड़ी सुंबुल तौकीर खां को। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बता दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिग बॉस में नए प्रोमो में साफ देखा जा सकता है कि एक बार फिर यानी कि ये एक ही सीजन में दूसरी बार होगा जब सुंबुल तौकीर खां यानी तौकीर खां को दूसरी बार कॉल पे बुलाया गया बिग बॉस में और 1-on-1 बात कराई गई सुंबुल और उनके पिता से। और यही बात है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी रास नहीं आ रही है, न केवल शालिन के पिता या फिर टीना के पिता, जबकि बड़े बड़े कंटेस्टेंट जो एक्स कंटेस्टेंट रहे हैं उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही है। दरअसल मैं आपको कुछ नाम लेके बता देता हूँ, कुशाल टंडन, उर्वशी ढुलकिया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो निशाना साधते हुए नजर आए। इवन रिसेंटली गौतम विज भी आ गए थे इस निशाने पे, उन्होंने ले लिया कि आखिर सुंबुल के पिता को बार बार क्यों कांटेक्ट कराया जा रहा है और वो भी उनको स्टेज पे बुलाया जाता है या फिर कॉल पे बात कराई जाती है। यानी कि यहाँ पे दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अब आते हैं शालीन बानोट के पिताजी पे। तो शालीन बानोट के पिता इसीलिए भड़क गए क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे शालीन के पिता, जिसके बाद शालीन के पिता ने अब कमेंट में रिएक्शन देते हुए कहा है, वाई ऑलवेज सुंबुल्स फादर वॉज अलाउड ऑन द स्टेज और फोन कॉल। ये सवाल जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, ये उठेगा और इस बार उठाया गया है और ये बहुत ही जेन्यून सवाल है जो कि शालीन के पिता ने सबसे पहले कमेंट करते हुए उठाया। दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि ये जो लैंग्वेज आपने नेशनल टेलीविजन पे यूज़ किया है विदाउट एडिटेड वॉज अ वेरी वेरी चीप लैंग्वेज, ये आपकी बेटी के संस्कार और आपके संस्कार को दर्शाता है। अगर आप टीना की बात कर रहे हो तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहू है। अब टीना दत्ता को इस तरीके का स्लेम करना आपको कोई हक नहीं है। इसके अलावा मेरे बेटे को लेकर आपने जिस तरीके की बात का उपयोग किया है वो आप उस बेशर्मी को सारे के सारे देश ने देखा है। नेशनल टेलीविजन पे इस बात को आपको कहने से पहले अपनी बेटी को समझाओ, उससे पहले आपको खुद अक्ल चाहिए कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा दो कदम आगे जाते हुए शालीन के पिता तो बिग बॉस पे भी भड़क गए और उन्होंने ये कह दिया कि बिग बॉस पे जिस तरीके से पारदर्शी की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। शालीन बानोट को बार बार टारगेट किया जा रहा है, मेरे बेटे को बार बार टारगेट किया जा रहा है, ये कहकर कि सुंबुल उसके प्यार में पागल हो चुकी है। लेकिन क्या सुंबुल क्या कोई छोटी बच्ची है क्या? दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, सुंबुल वॉज एन अडल्ट, तो अगर आपकी बेटी इतनी ही भूली है, इतनी ही डंप है, तो उसको आपने शो में क्यों भेजा? और ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शालीन के पिता ने बिल्कुल फायर हो गए हैं वो सुंबुल और उनके पिता पे, इवन बिग बॉस पे भी। खैर आपको क्या लगता है, क्या शालीन बानोट के पिता ने जो तथ्य रखे हैं वो बिल्कुल सच हैं और आप भी उस बातों से सहमत हो? बताइएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।